प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSSS होडल पलवल से आज आपको एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बता दिया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इट इज, इसको हर क्वेश्चन में लगभग आई मान लें इनको, आई इज इक्वल टू 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, और जैसा कि मैंने बताया था डीएक्स, जैसा कि मैंने बताया था, एक प्रॉपर्टी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें राम का घर श्याम के सामने, श्याम का घर राम के सामने करके बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं जैसे साइन का कॉस बन जाए और कॉस का साइन बन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 to a(f(x)dx) टाइप का एक क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करें, 0 to π/2 कॉस स्क्वायर और यहाँ पर π/2 − x dx कर दें। यानी हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, 0 to a(f(x)dx) इज इक्वल टू 0 to a(f(a−x dx), जिसे हम P3 के नाम से जानते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। और cos π/2 − θ आप जानते हैं साइन थीटा होता है, तो 0 to π/2 sin²x dx, ये भी आई है और ये भी आई है। इसको इक्वेशन नंबर वन डाल दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर टू डाल दिया। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू वी हैव, व्हाट वी हैव, यहाँ आई इधर भी आई है, तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, दोनों में सेम लिमिट है। ये यहाँ से आया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से आया साइन स्क्वायर एक्स और बाहर आ गया dx। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आपका 1 होता है, तो 0 to π/2 1 dx, और वन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक्स होता है, तो एक्स 0 to π/2, जब इसमें π/2 लिमिट रखेंगे तो π/2 आ जाएगा और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर ये जो है π/2 आया। अब ये 2i की वैल्यू है, हमें चाहिए i की वैल्यू, तो 2 को उधर ले जाएं, i इज इक्वल टू आ जाएगा π/4, तो देयर फोर एक बार i की वैल्यू लिख देते हैं हम, 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4। आपको याद होगा ये क्वेश्चन पिछली भी किसी एक्सरसाइज में आया था, वहां पर हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाया था, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + cos² / 2, और तब इसको सॉल्व किया था। तो प्रॉपर्टीज जानने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, यह है आपका आई इज इक्वल टू 0 to π/2 √sin(x) होल अपॉन √sin(x) प्लस √cos(x) एंड dx। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें भी वही चीज है, सेम प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि sin π/2 − θ cos θ होता है, cos π/2 − θ sin θ होता है, तो यही प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम, 0 to π/2 √sin(x) ये पर लिख देंगे π/2 − x, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में एक्स ही पर ए माइनस एक्स रखते हैं, √sin π/2 − x प्लस √cos π/2 − x एंड dx इज इक्वल टू 0 to π/2 sin π/2 − θ क्या होता है, cos θ होता है, तो ये cos(x) हो गया, अपॉन ये sin π/2 − θ cos θ हो जाएगा, तो cos θ रूट में, और ये cos π/2 − θ sin θ हो जाता है, तो रूट में sin(x) dx। जो हमने माना था वो भी आई था, इक्वेशन नंबर वन डाल दिया इसको, जो अब निकल के आया वो भी आई है, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू वी हैव, व्हाट वी हैव,
आई एंड आई टू आई इज इक्वल टू, लिमिट दोनों में सेम है, जीरो टू पाई बाई टू। यहाँ पर भी रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है नीचे, और इसमें भी रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। तो ये आपका एलसीएम की फॉर्म में हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। दोनों में सेम है नीचे, तो ऊपर वाला यहां से तो आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस, और दूसरे वाले से आ जाएगा रूट कॉस एक्स। यहां पर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से रूट कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया, तो वही जीरो टू पाई बाई टू वन डी एक्स हो गया। और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है जीरो टू पाई बाई टू। जब इसमें पाई बाई टू रखेंगे आप तो पाई बाई टू आ जाएगा, और जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू टू आई की है, तो आई इज इक्वल टू टू इसके नीचे चला जाएगा पाई बाई फोर। आई किसको माना था आपने, उसकी वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें, इसमें भी हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है, सेम इसमें प्रॉपर्टी लगाई थी पी थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन रेज पावर थ्री अपॉन टू एक्स अपॉन साइन रेज पावर थ्री अपॉन टू एक्स प्लस कॉस रेज पावर थ्री अपॉन टू एक्स और डी एक्स। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। जब आप इसमें इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो पाई बाय टू माइनस थीटा साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर टू आप इसे सॉल्व करेंगे तो सेम इसका आंसर पाई बाय फोर ही आएगा। तो इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फोर ये है आपका, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज पावर फाइव एक्स होल अपॉन कॉस रेज पावर फाइव एक्स प्लस साइन रेज पावर फाइव एक्स एंड डी एक्स। ये भी आपका बिल्कुल सेम है। एफ एक्स की जगह पर एफ ए माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस का साइन बन जाएगा और साइन का कॉस बन जाएगा। तो इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, ये आप सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू फाइव मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स। अब ये आपका मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया, और मॉडुलस के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पी टू प्रॉपर्टी यूज होती है, यानी ब्रेक होता है ये माइनस फाइव और फाइव के बीच में। कहां पर ब्रेक होगा ये इससे डिसाइड होगा मॉडुलस के अंदर क्या है। मॉडुलस के अंदर है एक्स प्लस टू, इसको जीरो रखेंगे तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस टू मिल जाएगा। तो ये दो जगह पर ब्रेक हो जाएगा, माइनस फाइव टू माइनस टू एंड माइनस टू टू फाइव। माइनस फाइव से माइनस टू के बीच में ये आपका माइनस ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस टू और फाइव के बीच में ये एक्स प्लस टू डी एक्स हो जाएगा। जैसा कि मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन होती है, ये माइनस एक्स होता है इफ एक्स इज लेस देन जीरो, और ये प्लस एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सेम आपका मॉडुलस एक्स प्लस टू डिफाइन हो जाएगा, मॉडुलस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू इफ एक्स इज लेस देन माइनस टू एंड इट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू। तो ये दो जगह पर डिवाइड हो जाएगा, यहां पर माइनस एक्स प्लस टू और यहां पर प्लस का एक्स प्लस टू। इस माइनस को हम यहां से बाहर ले जा सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स एंड योर लिमिट्स आर माइनस फाइव टू माइनस टू।
प्लस सेम इज हियर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टू टू फाइव आपकी लिमिट हो जाएगी। अब माइनस टू रखेंगे यहाँ पर तो माइनस का माइनस टू स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू इंटू माइनस टू फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस फाइव रखेंगे माइनस का फाइव स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू इंटू माइनस फाइव अगले वाले में फाइव रखेंगे तो प्लस का फाइव स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू इंटू फाइव माइनस करके माइनस टू रखेंगे तो माइनस का टू स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू इंटू माइनस टू। इसको सॉल्व करें इज इक्वल टू ये माइनस का टू स्क्वायर हो गया फोर फोर अपॉन टू टू आ जाएगा और ये माइनस का फोर आ जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस टू ये सॉल्व करके आ गया। ये आपका 25.2 हुआ और ये माइनस का 10 हुआ 10 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 20 आ जाएगा और ये 25 है 25 में से 20 जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे जब ये देखिए आपका 25/2 प्लस 10 तो ये आपका 45/2 आ जाएगा इसे हम लेके माइनस यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू टू हो जाएगा और माइनस फोर माइनस टू हो जाएगा और ये सॉल्व होके आ जाएगा 45 एंड 5 50 अपॉन टू प्लस टू ए प्लस टू ए प्लस का 4 तो 25 प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 29 यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इस जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी थी दैट इज योर पी टू ब्रेक वाली तो हम प्रॉपर्टी जरूर लिखें कौन सी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में है I इज इक्वल टू 228 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया था माइनस 5 टू 5 को मॉडुलस x प्लस 2 dx में से x इक्वल टू माइनस 2 निकाल के माइनस 2 पर ब्रेक कर दिया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 टू 8 लिमिट है जब मॉडुलस के अंदर पार्ट है x माइनस 5 इसको 0 रखेंगे x इक्वल टू 5 आ जाएगा तो 2 टू 5 एक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और 5 टू 8 दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे पहले वाला नेगेटिव होगा और दूसरे वाला पॉजिटिव होगा ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में तो इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 2 ही लगेगी तो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 7 I इज इक्वल टू 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज पावर n dx। यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि x की जगह पर a माइनस एक्स रखें तो आपस में बदल जाएं तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी लगेगी जैसे x ये पर 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा और यहां पर x ये पर 1 माइनस एक्स रखेंगे तो x बन जाएगा तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आप इस्तेमाल करें 0 to 1 x ये पर 1 माइनस एक्स क्योंकि a माइनस एक्स a की जगह पर 1 है यहां और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स होल इज पावर n dx इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स होल इज पावर एन डी एक्स हो जाएगा। 1 से 1 कट गया तो आ गया 0 to 1 1 माइनस एक्स एक्स इज पावर एन डी एक्स इसको अलग अलग करें 0 to 1 एक्स इज पावर एन डी एक्स हो गया प्लस 0 to 1 तो प्लस क्या ये माइनस हो जाएगा एक्स इज पावर एन प्लस 1 डी एक्स इसको इंटीग्रेट किया एक्स इज पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 आया
लिमिट 0 to 1 दोनों में है तो इसको एक साथ लगा देंगे, माइनस एक्स इज पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू आया इसका इंटीग्रेशन, क्यों एक्स पावर एन प्लस वन है, एक पावर बढ़ जाएगी 0 to 1। जब 1 रखेंगे तो आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और 0 रखेंगे तो आगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, और इधर आ जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। एन प्लस 2 में से n प्लस 1 घटाएंगे, 1 आएगा अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 plus 10x, dx। यहाँ पर भी आप देखिए, हम सेम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर भी लिख दूँ इस क्वेश्चन में, P3 हमने लगाई है। वैसे फोर्थ प्रॉपर्टी है, लेकिन NCERT में P3 के नाम से, इसलिए हम इसको P3 लिख रहे हैं। तो इज इक्वल टू आ गया 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4 माइनस एक्स, क्यों एक्स ये पर a माइनस एक्स रख देंगे dx। तो a की वैल्यू यहाँ पर π/4 है, तो π/4 माइनस एक्स आ जाएगा। इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4 माइनस थीटा होता है 1 माइनस 10 थीटा यानी 1 माइनस 10x अपॉन 1 plus 10 थीटा यानी 1 plus 10x dx। इज इक्वल टू 0 to π/4 log, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, 1 plus 10x एलसीएम आया, इधर आ गया 1 plus 10x प्लस 1 माइनस 10x और dx। 10x से 10x कट गया, इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 plus 10x dx। इसको अलग अलग करें तो 0 to π/4 log 2 dx तो एक हो जाएगा, माइनस 0 to π/4 log 1 plus 10x दूसरा आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका x log 2 हो जाएगा 0 to π/4, और ये आपका i आ चुका है, देखिए आप log 1 plus 10x 0 to π/4 dx। x ये पे π/4 रखेंगे तो π/4 log 2 आ जाएगा, और चूंकि ये वैल्यू i की थी, इस i को इधर भी लाएंगे तो आपका 2i हो जाएगा। 2 को उधर ले गए तो i इज इक्वल टू π/8 log 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस i की वैल्यू 0 to π/4 log 1 plus 10x। तो आप देख रहे हैं इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, यहां भी हमने P3 लगाई है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नाइन में ये कहते हैं 0 to 2 एक्स रूट 2 माइनस x dx। तो अगेन इसमें आपकी P3 लग जाएगी, क्योंकि जैसे हम x ये पे a माइनस x रखेंगे तो इस x ये पे तो 2 माइनस x बन जाएगा, और इस 2 माइनस x ये पे आपका 2 बन जाएगा। तो फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। 0 to 2
ये हो गया आपका 2 माइनस एक्स अंडर द रूट 2 माइनस 2 माइनस एक्स डीएक्स इजिकल टू 0 टू 2 2 माइनस एक्स यहां पर आ गया अंडर द रूट 2 माइनस 2 प्लस एक्स डीएक्स 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 0 टू 2 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स आएगा रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं डीएक्स इज इक्वल टू 0 टू 2 एक तो बन गया 2x की पावर हाफ dx माइनस दूसरा बन गया 0 टू 2 एक्स एज पावर 3/2 dx 2 कांस्टेंट है x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 टू 2 माइनस x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 एंड 0 टू 2 2 पर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 2 रेज पावर 3/2 माइनस 2 अपॉन 5 2 रेज पावर 5/2 ये आ गया 2 रूट 2 तो 4 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस ये आ गया 4 रूट 2 तो 2 इंटू 4 रूट 2 अपॉन 5 यहां पर आ गया 8√2/3 तो 8√2 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है 1/3 माइनस 1/5 ये 2/15 हो गया तो 16√2/15 यही आपका आंसर हो जाएगा इसको चाहें तो यहाँ एक बार सॉल्व कर लें 8√2 आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 आएगा तो 16√2/15 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का ये है आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x एंड dx। ये देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है बाकी है बहुत इजी। देखिए आप क्या कर सकते हैं हम इसको 0 टू पाई बाय 2 2 लॉग साइन एक्स हमने dx एज इट इज रख दिया माइनस 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx हमने अलग कर दिया इज इक्वल टू 2 हम बाहर निकाल सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू 2 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाय 2 अब लॉग इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स का तो इन तीनों का अलग अलग लिख सकते हैं लॉग 2 डी एक्स एक आ गया माइनस 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स अलग आ गया माइनस 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स ये अलग आ गया। ये 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स है और ये लॉग साइन एक्स डी एक्स है तो ये आ गया 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस यहां लॉग 2 तो कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 ये इसमें से घटा दिया इसलिए आ गया तो माइनस का 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2
लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस, जब पाई बाई टू लिमिट लगाएंगे इसमें तो पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा, जीरो लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लगा सकते हैं यहाँ पर डी एक्स। यहाँ हमने क्या किया, पी थ्री जो प्रॉपर्टी है वो लगा दी और ये बन जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू लॉग टू माइनस जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन एक्स डी एक्स हो गया, ये इससे कट गया इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां पर अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो माइनस ए टू ए टाइप की लिमिट है, मींस जो हमारी प्रॉपर्टी पी सिक्स है वो यहां पर लग जाएगी, इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला मैंने बताया था टू जीरो टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, और जब एक्स ये पर माइनस एक्स रखेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स होगा और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। तो जब एफ एक्स एफ माइनस एक्स के बराबर हो तो ये इवन फंक्शन बन जाता है, और इवन फंक्शन के केस में टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, अगर ये ऑड फंक्शन होता तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। तो इसको लिख सकते हैं हम टू जीरो टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर, अब इसमें फिर हम पी थ्री लगा देते हैं पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ हमने पी थ्री प्रॉपर्टी लगा दी है, टू जीरो टू पाई बाय टू ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमने एक क्वेश्चन इस तरह का आपको करा दिया है, ये आई है इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया, ये भी आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू आई और आई आपको टू आई मिलेगा। यहां मैं आपको बता दूं पी सिक्स प्रॉपर्टी हमने लगाई है तो ये लिखना पड़ेगा यहां पर पी सिक्स, यहां लिख देता हूं मैं टू आई इज इक्वल टू इसमें और इसमें टू आपका तो कॉमन है, जीरो टू पाई बाई टू आपकी लिमिट है, यहां से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इधर से और डी एक्स हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू आ गया जीरो टू पाई बाय टू वन डी एक्स, एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन वन का जीरो टू पाई बाय टू, तो आई इज इक्वल टू आ गया पाई बाय टू। तो हम कह सकते हैं माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, तो देयर फोर माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन टू, यही आपका आंसर हो जाएगा।